मम्मा के साथ कौन सा ये कट करो क्या हुआ हाँ कुछ फेसबुक को पता है फेस मेरा रेड आ रहा है अरे ये तुमको चिल्ला रहे हैं तब से 100% मेरा केशव पहले किस बस हो गया ऑर्डर तो क्या लेंगे आप चाय कॉफी या थोड़ा सा फ्लर्ट चाय ओके द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि ये एक लड़की क्लास में ड्रेसेस बनाया करती थी बिल्कुल व्हाट इज द स्टोरी स्टोरी ये थी कि टीचर्स सामने पढ़ाते थे मैं पीछे क्या करती थी मैं पेपर वर्क लेती थी पेपर्स लेती थी काट काट के मैं ड्रेसेस बनाती थी और जितने भी गर्ल्स थे मैं उनको बोलती थी ये लो ये आपके लिए अब मैंने बनाया अब आपके लिए बनाया एक दिन मेरे को टीचर ने पकड़ा क्लास में बोला शाहजहाँ पीछे मैं सामने पढ़ाता रहता हूँ पीछे करके क्या रहती है एक दिन मेरे को सर ने देखा वो ड्रेसेस बनाते बोला बहुत मार पड़ी सो सामने लेके टैलेंट की कदर नहीं की ओके सो नाइस स्टोरी ओके उसके बाद हाँ अगेन फ्रॉम द स्कूल की इसको स्टिक लाने में मास्टर थी क्लासरूम में बिल्कुल मुझे एक टीचर भेजते थे स्टिक लाने के लिए बाहर हमेशा तो क्या करती थी मैं जाती थी मैं वहाँ पे टाइम लगाती थी जब तक उनका क्लास कंप्लीट होगा एक दिन ऐसा हुआ बहुत टाइम लगा मुझे बाहर जाते हुए ठीक है क्लास ख़त्म हो गई सर बैठे हैं दरवाजे के पीछे मैं क्लास में आई वाह सर गए सर पीछे से आए मार बहुत तेज मार पड़ी है उस दिन उसके बाद मैंने कभी स्टिक नहीं लाई तब उसने मुझे समझाया ना कि दूसरों में कैसा फील हो रहा है एंड यूजुअली क्लास में तो ऐसा ना खास बात जो मॉनिटर या कोई रोल था लेकिन लड़की को ही मिलता था हमको तीन क्लासेस हो गए कभी हमको बाहर ही नहीं निकाल रहे तीन क्लास के बाद बोल रहे भाई मुझे बहुत बेचैनी से हो रही है बाहर ही नहीं निकाल रहे आज मजा नहीं आ रहा स्कूल में मुझे हमेशा से था कि मैं अपने दम पे कुछ करना चाहती हूँ मैं पहले जॉब करती थी जॉब में करती थी लेकिन तब भी मेरा माइंड इसी चीज़ में चलता था मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ हाँ एज ए क्वालिटी इंजीनियर हाँ मैं जॉब करती थी बीटेक की इस फील्ड में जितने भी हमारे आर्टिस्ट मैं खुद इंजीनियर हूँ जितने भी हमारे आर्टिस्ट वो सब गए इसमें मैं जॉब करती थी लेकिन उसके बाद मैंने वहाँ पे जॉब पे क्या किया था मैंने एक डायरी रखी थी मैं उस पे लिखती थी कल मैं इस ड्रेस का वीडियो बना रही हूँ कल मैं ब्लैक ड्रेस का ऐसे बना रही हूँ वीडियोस और मैं जाती थी यहाँ से जाके मैं 6 बजे ऑफिस ख़त्म होता था मैं जाती थी रूम में मैं करती थी वहाँ पे कुछ ना कुछ कैमरा के साथ करती थी कई वीडियोज़ पिक्चर्स मेरे घर पर मुझे बोलने लगे थे ये पागल है इसका कुछ समझ नहीं आ रहा कर क्या रही है ठीक पहले दिनों मुझे मामा पूछ रहे या पापा पूछ रहे आप कर क्या रहे हो मतलब सारा टाइम आप सेल्फी सारा टाइम आप पिक्चर्स लेते हो मैं उनको बोली कुछ नहीं आप छोड़ो ये सब आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा तो फिर उसके बाद उनको लगा शायद ये साइको है ठीक है ऐसा हो गया घर में ऐसा हो गया ये साइको है इसका कुछ समझ नहीं आता है फ़ोन के साथ लगी रहती है फिर धीरे धीरे उनको समझ आया कि नहीं मतलब जो ही मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट क्या आपको याद है जो आपका फर्स्ट स्टेप था इसमें आने के लिए फ्रॉम द जॉब टू दिस मुझे हमेशा बचपन से था मुझे जॉब ने लिया कि जब अपनी जॉब छोड़ी कंप्लीटली एंड तो याद है फर्स्ट क्योंकि मैं खुश नहीं थी फर्स्ट स्टेप कौन सा था जब आपने इसमें कदम लिया जॉब छोड़ के फर्स्ट कदम ये था कि जब मैंने वहाँ पे जॉब क्वाइट किया तो मैंने सीधे बोला कि अब मैं अपनी दिल की सुनूंगी क्योंकि मैं वहाँ जॉब करती थी वो था ऐसे ही मतलब हाँ फॉर्मेलिटी के लिए सच था मैं सिस्टम पे तो होती थी लेकिन माइंड मेरा तब भी वहीं पे ज़्यादा था कल मुझे ये करना है कल मैं वहाँ जा रही हूँ कल मैं ये पहन रही हूँ ठीक ऐसा कल मैं इस कंटेंट पे वीडियो बना रही हूँ फिर फाइनली आई मैं एक पॉइंट पे कि मुझे जॉब छोड़नी ही चाहिए ठीक फिर मैंने जॉब छोड़ी अपना यहाँ पे स्टार्ट किया नहीं जॉब के साथ साथ में ये चीज कर रही थी हाँ 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 जॉब के साथ साथ में ये चीजें कर रही थी सैटरडे तब जब मैंने जॉब छोड़ी कुछ टाइम तक रहा स्ट्रगल रहा
मतलब घर वाले भी बोल रहे थे ऐसा नहीं करना चाहिए, जॉब छोड़ी। अगेन जो हम हमेशा बोलते हैं कि एक बंदे को वही करना चाहिए जिसमें खुश फील। बिल्कुल, एज ए ब्लॉगर जो भी मैं कर रही हूँ ये मैं एज ए जॉब ही कर रही हूँ। मैं ब्रांड्स को प्रमोट कर रही हूँ, मतलब जो फोटोग्राफी के वहाँ से या वीडियोस के वहाँ से मैं एक ब्रांड्स को प्रमोट ही कर रही हूँ, कश्मीर के बिजनेस को ही प्रमोट कर रही हूँ। अभी तो आई थिंक चलो फिर भी लोगों को समझ आ रहा है जो आप कर रहे हो। जब आपने स्टार्ट किया हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि क्या करने वाले हैं? बहुत 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 डिफिकल्ट था लोगों के लिए। सिर्फ ये होता था कि ये पिक्चर्स लेते हैं, ये तो पागल है, पर डे पिक्चर्स अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जो एक ब्लॉगर होता है उसको ट्रेंड्स के साथ चलना पड़ता है, उसको कुछ ना कुछ क्रिएट करना है। तो आज अगर आप पोस्ट नहीं आएगा एक दिन में तो लोग परेशान हो जाते हैं क्यों नहीं डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये स्कूल में थी तो इसके नाक में पेंसिल अटक गया है। बिल्कुल जब पेंसिल होता था पेंसिल छोटी हो जाती थी, ठीक है, मैं उस पेंसिल के साथ, वो छोटी पेंसिल मेरे हाथ पे पर डे रहता था। ठीक, एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ऐसे पेंसिल के साथ खेल रही, मैंने वो नाक में घुसा दिया। ठीक, मैं ब्लड आने लग गया, पेंसिल निकल नहीं रही है, प्रिंसिपल्स आ गए, टीचर्स आ गए, मेरे को वहाँ ऑफिस में लेके गए, फिर वो बहुत मुश्किल से वो पेंसिल निकला, उसके बाद मेरे पेंसिल नहीं पकड़ी। हाँ वो भी कर दी थी, वो भी बहुत। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि शूट पे लड़की थी एंड पता नहीं क्या ये हक करने गई है किसी को, किसी और को किया। हाँ तो ऐसा था, इंसिडेंट ऐसा हुआ था, मैं शूट पे गई थी। ठीक, तो जो थे वहाँ पे गर्ल्स थे, जो उनके साथ कोई था वो, ठीक, तो उनने हाई किया उनको, मैं यहाँ से जस्ट उनके सामने थी, मुझे लगा इन्होंने मुझे किया, मैं गई, मैं गले पड़ गई। ठीक है, तो मुझे सब देख रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया शादी को सडनली, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा। तुमने पूछा नहीं बहन जी कौन हो आप? नहीं, उन्होंने बोला कि क्या मतलब उनके साथ जो थे शादी को क्या हुआ, ना जान ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये लड़की ने ड्राइविंग बहुत एक ही दिन में सीखी है। ऑफिस में जयपुर में मैं जब दो दिन गई थी ड्राइविंग सीखने के लिए, ठीक, तो थर्ड डे में आई कि मैंने बहुत ड्राइविंग सीख लिया। तो मेरे जो सीनियर थे वहाँ पे उनकी कार थी बाहर, स्कॉर्पियो, ठीक, तो अब उनके ड्राइवर थे वहाँ पे, मैंने उनको बोला भैया मैंने ड्राइविंग सीखी है, कल ही मुझे सब आता है, हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाहर जो ऑफिस के बाहर एक काम चल रहा था, वहाँ पे ग्लासेस रखे हुए थे, तो मैं गाड़ी में बैठी, बहुत वो मुझे तो ड्राइविंग तो मैंने सीख ली है दो ही दिन में। हाँ क्रेज, हाँ मैंने दो दिन सीख लिया, जो ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की जो सारे ग्लासेस थे आ गए वो मैंने सब तोड़े, पूरा ऑफिस बाहर निकलाया, मुझे बुलाया गया, 50,000 मेरे पे फाइन लग गया। फिर मैंने सर से माफी मांगी, बोला इतनी क्या ड्राइविंग सीखी दो ही दिन में। उसके बाद माफ हो गए फिर। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज JBL ऑफिशियल X3 ऑल द वे फ्रॉम एडम्स एप्पल। ब्रो यू डोंट नो मी, आप जानते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। Bro, this is JBL official X3, okay? तुम मुझे नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं। तुम वही हो ना जो मुझे stories में 3 महीने से mention कर रहा है, भाई मुझे show मिला। इनकी आदत है, जहाँ पे भी इनको कोई अच्छा content creator दिखा रहा, shout out के लिए भीख मांग कर रहा। अच्छा कौन? Content creator. Okay. Man, I'm a very brilliant content creator. ठीक है? JBL नाम में ही वजन है। मैं बहुत जोर से बजता हूँ और बजाता भी। ओके। कहीं कभी कोई और बजा के ना जाए तुमको? नहीं वो तो मतलब ओकेजनली होता है। सो दिस इज JBL ऑफिशियल X3। ये X3 क्या है? मतलब X102 ब्लॉक हो चुका था। ओके, तो आई केम हियर क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पे तुम बाज नहीं आए अभी तक, दो बार ब्लॉक होके बाज तो मैं आता, बट मैं बाज नहीं आ पाया क्योंकि क्रो ही आ पाया तो तो मुझे एक्चुअल में पता चला कि यहाँ पे आज बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। सो एक कंटेंट क्रिएटर से ही मिलना चाहिए ना, कोई थर्ड ग्रेड यूट्यूबर आके इंटरव्यू मिलेगा? ओके, इट्स नॉट ओके। सो ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सीरियसली आप जानते हैं? बिल्कुल हाँ, हम दोनों ने साथ में होंठ हिलाए इंस्टाग्राम रील्स पे।
बनाया आपने इसके साथ रील? हाँ मतलब पिछले हफ्ते से भी, पिछले हफ्ते से भी, पिछले हफ्ते। Oh my God, पिछले जन्म में। No. Let me clear this thing because मैं controversies में ज़्यादा फंसता नहीं। Okay. Yes, so actually मेरे बात है वो ये है कि पिछले हफ्ते से भी, पिछले हफ्ते से भी, पिछले हफ्ते एक trending reel थी sound। तो उसपे इन्होंने भी ये reel बनाई है, मैंने तो साथ में हूँ ठेला। Okay. It's a tough job, you know. Reel बनाना। बहुत ठेला। बिल्कुल, बिल्कुल tough। बहुत मुश्किल है। कभी खुद भी हिला के देखो। ओके आपको मुबारक हो। सो मुझे इनसे बात करनी है तो आपको लगता है आपसे बात करेंगे? ब्रो तुमने शायद मैं इंस्टाग्राम नहीं देखा, 5555 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। यू नो मेरी हर एक रील ट्रेंडिंग में जाती है, ठीक है? इतनी ट्रेंडिंग में जाती है कि मेरे को कमेंट सेक्शन। वैसे आपकी कौन सी रील ट्रेंडिंग में गई अब तक? तेरी प्यारी प्यारी आंखें। ओ वाह, चुप क्यों हो गए? शायद आवाज अटक गई बीच में। भाई आवाज का है भाई। हमें सुनाई नहीं दे रहा। सॉरी एक्चुअल में पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ होंठ हिलाया है, मुंह से कुछ बोला नहीं है। ओके आदत से मजबूर है। अच्छा यू नो ना। अच्छा ट्रेंडिंग की बात कर रहे थे। हां तो ट्रेंडिंग एक्चुअल में मैंने रील बनाई थी जिसमें मैंने अपने मतलब बहुत मेहनत लगी थी, बहुत मेहनत लगी थी। मुझे याद है उस दिन बहुत कड़ी धूप थी और मेरे पास चलने के लिए कोई व्हीकल भी नहीं था, तो मैं अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठा था और हमने एसी ऑन किया था। मुझे आज भी याद है, फिर मैं जब घर पहुंचा और हमारे घर में लाइट नहीं थी, फिर मैंने इन्वर्टर ऑन किया। मैंने इतना रिंग लाइट लगा के। ओके प्लीज, व्हेन दो कंटेंट क्रिएटर बात कर रहे हो ना तो बीच में रिंग लाइट जादूगर नहीं बोलते। ओके ठीक है। ओके यस सर। तो मैंने रिंग लाइट ऑन करके मैंने अपने फोटो पे लाली लगाई, लिटिल, एंड फिर वही लाली मैंने अपनी आंखों में लगाई, अ बिट मोर, थोड़ी ज्यादा। और फिर मैंने याद किया कि जब मेरे पापा ने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा था तो कैसी मेरी रिपोर्ट पे उन्होंने रिजल्ट पीट पीट के JBL को पीटा था। नो ओके उस टाइम JBL नहीं था। उस टाइम खाली मेरा स्पीकर था जिसे इस तरह से पीटा गया कि आज ना उसके तार है और ना ही उसमें से कोई सुर निकलता है। बहुत सैड। तो उस टाइम मैंने वो रील बनाई और मैंने रो के वो रील बनाई और इतने रो के बनाई, इतना रो के बनाई कि रोते रोते आंसू आंख से ही नहीं कहीं और से भी निकलने लगा। ब्रो दे आंसू आंख से निकले, नाक से निकले, इमोशंस को अंडरस्टैंड करो। ओके इमोशन, बहुत सारे इमोशन। तो वो वाली रील मेरी ट्रेंडिंग में आई, लोगों ने मेरे साथ रिमिक्स करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा मैं सेलिब्रिटी हूँ क्योंकि जैसे कि मैं बचपन से ही सेलिब्रिटी था। गलतफहमी होती है अक्सर। गलतफहमी नहीं होती, फहमी की गलत होती है, फिर जाके वो गलत से मिलती है तो गलत की गलतफहमी बन जाती है। नहीं तो आज तक गलत की कोई चीज हुई नहीं, फहमी की गलत होती है, लेकिन जब फहमी गलत से पहले मिलती है तब जाके गलत की फहमी हो जाती है। तो करेक्ट यू वर्ड्स। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जैसा कुछ लग रहा था मुझे। हाँ तो मेरा इंस्टाग्राम यू विल नॉट अंडरस्टैंड। जब मैंने बोला कि इसके लेवल नहीं समझ आते हैं यार आम लोगों को, दैट्स व्हाई बहुत सारे मतलब मेरे ऐसे वीडियोस हैं जिन पे मेरे को कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ता है बिकॉज़ ऑफ यू गाइस। यस आई नो, कितना प्यार बरसाते हो यार कमेंट्स में। तुमको इंस्टाग्राम की बहुत एक्सपीरियंस है, ज्यादा प्यार मिलता है ना कंटेंट क्रिएटर्स को, बहुत एक्सपीरियंस है ना। हां तो मेरा जो है एक्चुअल में, अब बात कर रहे थे कि मुझे कैसे जानते। ओके शायद आपने मेरा इंस्टाग्राम नहीं देखा, वहां पे लिखा है डीएम फॉर कोलैबोरेशन। अच्छा इन्होंने भी मैसेज किया होगा। डोंट वरी, डोंट टेक इट, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है? आई विल रिप्लाई ऑन टाइम, बट फॉलो थोड़ा सा। ओह माय गॉड, करके रखना होता है। आई कांट फॉलो बैक यू, बट हां आई विल रिप्लाई ऑन टाइम, डोंट वरी अबाउट। ओके तो मुझे ना इनका मैंने प्रोफाइल चेक किया था, मतलब ऐसे मैं चेक करता नहीं किसी के प्रोफाइल। ओह अच्छा, आपको चेक करना पड़ा मेरा प्रोफाइल ना? यस मैंने चेक किया प्रोफाइल, बिकॉज़ कंटेंट क्रिएटर ही कंटेंट क्रिएटर ओके की कदर जानते हैं। तो मैंने आपका कनेक्शन, हां एक कनेक्शन, रिमिक्स एक्चुअली। हमारे में कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिमिक्स है। तो क्या देखा आपने इनके अकाउंट से? तो मैंने इनके अकाउंट से देखा, वहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियाँ आप कर रहे हो, इस वजह से आपका जो है ना कंटेंट आगे नहीं चल रहा। लाइक आपका नाम शाजियाबाद। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? शाजियाबाद
माय गॉड व्हाट कॉमन नेम ओह शाजिया बट ऑफिशियल नाम में ही वजन है ये वजन शाजिया बट ऑफिशियल भी है एंड बायो में आपको ऐड करना है केक मर्डर केक मर्डर मेंशन करना बहुत जरूरी है यू नो व्हाई बिकॉज़ जब आप केक मर्डर मेंशन करते हो लोगों को पता चलता है आपका बर्थडे कब है और वो जब बर्थडे के दिन आप स्टोरीज में मेंशन करते हैं सो यू कैन से मेरे फैंस मुझसे कितना प्यार है तो वो एक चीज कमी है और तो और आपको एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी अकाउंट मैनेज्ड बाय एट द रेट ऑफ वो जो अकाउंट होगा वो भी आप ही का होगा लेकिन किसी और का लेकिन वो बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए सीक्रेट है तुम अपने काम सो और एक चीज है उसके बाद आपको अपना एक फैन पेज खोलना पड़ेगा प्रिटेंड करना है कि आपको पता ही नहीं है किसने खोला है इन स्टोरीज में मेंशन करते जाने वाओ कितना प्यार करने मतलब कहीं पे लड़ाई भी हो रहा है झगड़ा भी हो रहा है लोग आपको कहीं पे पकड़ भी रहे हैं घेरे में तो उसका एक वीडियो बना के फोटो बना के बोलो मुझे नहीं पता मेरे फैंस मुझसे इतना प्यार ऑटोग्राफ मांग रहे थे यस ओह शो करना पड़ता है बार बार आपको वो सब शो करना पड़ता है तो और एक सबसे मेजर मिसिंग चीज है आपकी प्रोफाइल में आप क्रिंज रील नहीं बना मतलब वो कलेजा होना चाहिए बनाने का मतलब ऐसे डिसेंट कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बना पाते ना वो हम जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बना पाते उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सबसे पहले आपको एक आईफोन खरीदना पड़ेगा खरीदना नहीं पड़ेगा किसी से लेना पड़ेगा उसके बाद उसमें स्लो मोशन ऐड करने के बाद थोड़ा सा आपको चलते चलते अपने बालों को ऐसे करके आंखों में ऐसे आंसू लगे शाम तक आपकी वीडियो ट्रेंड में दो दोस्त लगते और थोड़ा सा अगर आप आंखों में आंसू लाना चाहते हो तो 5 रुपए का विक्स भी लगेगा वैसे भी आजकल हम आंखों में उंगलियां डाल के रंगा डालते हैं प्याज तो दैट इज मतलब प्याज इज मच बेटर तो एक्चुअल में मैं जो है मैं करते क्या हो भाई मैं मतलब मैं पहले स्कूल में मैं बहुत ज्यादा नटखट था मतलब आई वाज वेरी टैलेंटेड इसलिए 24 घंटे मुझे टीचर्स जो है वो मेरी काबिलियत को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे मैं क्लास से बाहर रहता था तो और उसके बाद जब मैंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट किया तो टिकटॉक बनाते बनाते मेरे में ये चीज़ मैंने डिस्कवर की कि मैं तो एक्टर हूँ मतलब मैं तो एक्ट कर सकता हूँ और जैसे ही मेरी ये सोच आई टिकटॉक बैन हो गया दैट मींस टिकटॉक का ही असर है ना इन्हीं की वजह से बैन हुआ है ब्रो तुम जैसे लोगों की वजह से थोड़ी हो सकता है उसके लिए कड़ी मेहनत लगती है जो हम करते हैं बैन कराने चीजों के लिए मेहनत चाहिए यार वो हम करते हैं वी डू दैट तो उसके बाद मैं रील्स पे आ गया और रील्स पे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया अगर कल को रील्स भी बैन हो जाती आई डोंट केयर मैं यूट्यूब पे आ जाऊंगा और अगर कल को मेरा यूट्यूब भी बंद हो जाएगा टैलेंट है तो मैं कह रहा था कि अगर कल को मेरा यूट्यूब भी बंद हो जाएगा ना तो मैं अपना एक शो बना के लोगों की इंटरव्यू लेना स्टार्ट करूंगा ठीक है आगे से आप ध्यान रखिए अब हां आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड आई एम वेरी 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 मच टैलेंटेड क्योंकि क्या बात है माशाल्लाह मैं हर एक साउंड पे रील बनाता हूं बहुत सारे साउंड्स पे मैंने रील बनाई है और अभी मैं रेड कारपेट पे भी चल के आया रिसेंटली ओह माय गॉड कहां पे कुछ नहीं मम्मी ने सीढ़ियों पे डाला था ओके तो और मैं एक्चुअल में शो में जल्दी आ जाता आपको झेलना नहीं पड़ता इन्हें बट मेरी गाड़ी जो खराब हो गई थी नहीं है भाई Bro, you don't know. I have very expensive two-wheeler cycle. Yes, देखा है मैंने आपको उसको. तो तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है भाई. बंगला. दिल छोटा नहीं करते यार. ऊपर वाला भेजेगा तुम्हारे पास भी साइकिल. अच्छा, ओके. क्या बात हो गई थी? Thank you sir. Thank you so much. तो मैं इतना ज़्यादा talented हूँ ना कि मतलब मुझे खुद भी नहीं पता मैं कितना ज़्यादा talented हूँ. ठीक है? तो actual में कभी-कभी ना मैं sound सुन के मेरे अंदर से कलाकार बाहर आने लगता है. मतलब सुबह हमारे घर के साइड में किसी ने जनरेटर चलाया तो जनरेटर की आवाज़ के साथ ही मैं भी चलने लगा और चलते चलते मैं इतना चला फिर मुझे याद आ गया तो मैं तो अपने घर से दूर आ चुका हूँ एंड उससे भी बेस्ट ये चीज़ हुई मेरे साथ कि मैं सुबह ब्रश कर रहा था और ब्रश करते करते शायद अंकल कीला ठोक रहे थे ठोकते ठोकते कीला
मेरे साउंड ऐसे बजने लगे कि मैं अपना ब्रश करते करते सामने वाले आदमी का भी ब्रश करने लगा। ओह थैंक गॉड टॉयलेट्स पे नहीं बैठे थे ये बंदे। नो वहां पे मैं एक्चुअल में अकेले ही जाता हूं। कांग्रेचुलेशंस। यस सो दिस इज व्हाट आई डू ऑल द टाइम बिकॉज़ मैं बहुत बिजी रहता हूं ऑल द टाइम। मेरा इसलिए मेरे 10 बजे से है शेड्यूल रहता है। मैं 2 बजे नींद से उठता हूं फिर 2 से 4 मेरे को मोबाइल पे स्क्रॉल करना होता है और उसके बाद मेरे को एक जरूरी काम से सोना भी पड़ता है। नहीं जरूरी काम से सोना नहीं पड़ता। फिर मैं कुछ टाइम के लिए जो है वो थोड़ा बहुत बाहर जाके देखता रहता हूँ लोग कैसे चल रहे फिर रहे हैं ताकि वो भी इम्पोर्टेंट है। और फिर जब मेरा टाइम जो फ्री होता है उस टाइम में मैं फुल ऑन कंसंट्रेशन करता हूँ कंटेंट बनाने में। मुझे किस तरह से लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई करके प्रिटेंड करने की मिलता है। ये फैन का कुछ ज्यादा ही है। आपने भी येलो पहना है। अच्छा मैंने येलो पहना है। तो आई वाज सेइंग कि मतलब मेरे फैंस मुझे जब भी रास्ते में मिलते हैं बहुत सारा प्यार बरसाते हैं मुझ पर बहुत सारा प्यार बरसाते हैं। मतलब एक बार तो एक ने इतना प्यार बरसाया था कि फिर मेरे 4 दिन बाद छुट्टी मिली हॉस्पिटल से। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था। यस कितना लोग यहाँ से जाने का मैं जी आई विल डू इट फॉर फ्री। नो वी कैन गिव यू अ शाउट आउट इफ यू वांट। सो हां एक्चुअली आई हैव टू गो। मुझे अभी जाके किसी और गाने पे होंठ लाने हैं। मेरा 4 बजे अपॉइंटमेंट है एक फ्रेंड के साथ। मुझे उसे सिखाना है कि कैमरे के सामने कैसे रोया जाता है। और तो और मेरा और एक है कि मैं एक मैजिशियन भी हूं। नॉट लाइक हिम मतलब वी रियल स्टार्स आर मैजिशियन। मतलब हम एक ट्रांजिशन में कवरेज चेंज करते हैं। ओह एग्जैक्टली वी चेंज मतलब ऐसे मैजिक स्टोरी होती है। मतलब मुझे पता तुम्हारी और उसमें कितनी मेहनत लगती है वो हमसे। हां मतलब 5 रुपए 5 आउटफिट्स चेंज। यस सी मतलब कितनी मेहनत लगती है। तुमने कलर कर लिया है। मैंने बोला ना एक कंटेंट क्रिएटर दूसरे कंटेंट क्रिएटर की कदर समझता है यार। तो क्या कहते हैं ट्रांजिशंस में? ट्रांजिशंस में हम एक ट्रांजिशन में कपड़े बदलते हैं, दूसरे ट्रांजिशंस में हम जाके लोकेशन बदलते हैं, तीसरी ट्रांजिशन में हम अपने माँ बाप बदलते हैं, चौथी ट्रांजिशन में हम अपना जेंडर सॉरी मतलब हम सेट बदलते हैं। सो फॉर यू नॉट फॉर यू ओके फॉर यू आई हैव समथिंग। सो थैंक यू। ओके कैमरा किधर है? So for you this is from Ragba the Desire Store। Oh my केसर। केसर। तो पास आपको एक क्वालिटी का केसर और शॉल्स और ड्राई फ्रूट्स और पेपर मेशी वर्क मिलेगा। अच्छा। so, और सबसे बेस्ट बात आपको पता है इनका डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन मुझे भी नहीं पता। भाई हिल क्यों रहा है भाई? आप नीचे भी बैठ सकते हो। दिस इज टैलेंट दिस इज टैलेंट यू नो दिस इज टैलेंट क्रिएटिव फोक्स करो भाई क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए हमारे पास मैक्स कंसल्टेंसी है। वो 1 करोड़ की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। MBBS एडमिशन कर रहे हैं। BTech एडमिशन कर रहे हैं। जाओ एडमिशन करो। नहीं मैं नहीं मानता। अरे भाई साहब क्रिंज कंटेंट क्रिएटर जाके कुछ खाओ टॉप से जाओ सेहत बनाओ। ब्रो जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते हो। मतलब तुम जैसे इंसान भी यहाँ पे आके मुझे कहता है कि शॉप से जाके कुछ खाओ जबकि यू हैव ग्रोसरी। ओके यस ग्रोसरी में आप डिलीवर कर सकते हो वो भी सिर्फ 30 मिनट में और सबसे ए क्वालिटी की चीजें भेजते हैं लोग। एहसान फरामोश आई विल कंफर्म। क्या करना है? हाँ हेलो आबिद। हाँ हाँ एक खुशी की खबर है। नहीं मामी बनने वाला मैं। तो एक्चुअल में ना मुझे पता चल गया कि करियर के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा। या ओके आपसे एक बात करनी है। यस प्लीज गेट आउट। मुझे भी कोई शौक नहीं यार अपनी का। ओके आई एम गोइंग बाय। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आपके लिए है आप आया ना आया है। So here it's for you. Thank मैं you. कुछ questions पूछता हूँ। अगर आपने किया तो आप मुझे आ बाया दिखा सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप मुझे ना बाया दिखा सकते हैं। Okay. Okay.
सो सबसे पहला क्वेश्चन फॉर यू इज, क्या आपने कभी ट्राई किया कोई नई लैंग्वेज सीखने के लिए? हाँ. इतना सैड हाँ क्यों था? मतलब हाँ की है. कौन सी? राजस्थानी मालवाड़ी. ओके, सीखा? थोड़ा सा. एक एक डायलॉग कुछ भी जो आपको लगता है राजस्थानी में. मालवाड़ी में मैंने कुछ सीखा है. कोई एक लाइन बता जो आपने सीखी है. बहुत कम. कोई याद है क्या? ट्रैवलिंग अकेली थी या डर गई थी? बहुत यूजुअली होता है. हाँ होता है, कभी कभी होता है. कभी कभी सिस्टर्स के साथ जब ट्रैवल किया है तो काफी. ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने कभी किसी को कॉपी किया है? नहीं. कोई और बनने की कोशिश की है? नहीं. ओह नाइस. ओके, रिग्रेटेड योर जॉब करियर जब यू चूज किया था? आई थिंक इट्स अ यस. बहुत बहुत बनाई है. ओके, कभी नर्वस हुए लाइफ में? हाँ बिल्कुल. एग्जाम्स के बगैर? एग्जाम्स के बगैर कभी कभी स्टेज पे होता था फिर. ओके, कभी गलती से किसी और का हाथ पकड़ा है चलते चलते? मेरे साथ तो हुआ है बहुत. नहीं, नो. मेरे साथ बहुत हुआ है. यूजुअली लगता है दोस्त होता है फिर वो नहीं होता है. ओके, क्या कभी आपने कोई पोइम लिखी है? हाँ हाँ, कभी कभी लिख लेती थी. लेती थी? कोई याद है आपकी अपनी राइटिंग? मतलब ऐसे लिख लेते थे कुछ ना कुछ. इसका नाम आया होगा ऑनेस्टली, तभी मैंने क्वेश्चन रखा था यहाँ पे. एक और टैलेंट इनका सामने आ रहा है. ओके, कभी खुद को रोते रोते रिकॉर्ड किया है? नहीं. लड़के तो करती है अक्सर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, कभी अपना जन्मदिन या किसी दोस्त का तो भूले होंगे आपसे. अपना भूले हो कभी? नहीं, लड़कियां नहीं भूलती है. नहीं, कभी भी नहीं. सबसे पहले याद भूलती है ना दोस्तों का भूलती. एग्जैक्टली, मेरी छोटी बहन ने सबसे पहला विश उसी का होता है और मैं हमेशा उसको भूल जाता हूँ. ओके, कभी बहुत जोर से बात की पब्लिक में फिर पछताया कि मैंने क्या किया? कभी कभी हो जाता है. या हंसना? नहीं, कभी कभी जब गुस्सा आता है किसी के ऊपर तब हो जाता है. कभी पागलों की तरह हंसा है? हाँ कभी कभी. कजन्स के साथ बैठे बैठे? हाँ, घर में, बाहर नहीं. नेक्स्ट इज कि हाँ, क्या कभी आपसे कोई चाबी खो गई है? यस, घर की, फ्लैट की. फिर बस सुनना पड़ा खूब बहुत सारा. ओके, कभी सेट पे लड़ाई की किसी के साथ? नेवर. सो सैड. किया नहीं है, बट कभी कभी वो बातों में हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं. मतलब किसी और ने तो की होगी. हाँ, वो तो डांट पड़ी है ये मुझे जानना है. क्या डांट पड़ी है कभी शूट पे? कौन सा पोज दे रहा है? इधर हो जाओ, इधर हो जाओ. नहीं. हमेशा हमारा इंतजार करते रहते हैं अपने मोबाइल फोन के हाथ में. इंतजार करते हैं संडे 4 PM का. एंड इंशाल्लाह मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नेक्स्ट गेस्ट के साथ एक और खूबसूरत एपिसोड लेके. कीप लविंग, कीप शेयरिंग. अल्लाह हाफिज.